बिल्कुल, वो आज यहाँ से भद्रवाह जा रहे थे अपने प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दिया था क्योंकि यहाँ से कुछ लोग जम्मू नहीं जा पाए। तो आज़ाद साहब का यही ऑर्डर था कि जो लोग नहीं आए कोई बात नहीं, मैं उनसे वहीं मिल लूँगा। तो आज वो आए और मिले, तो आज यह पता चलता है कि आज़ाद साहब को लोग कितना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हर कोई है, कोई एक कम्युनिटी तो है नहीं, हर कोई है और सब चाहते हैं कि आज़ाद साहब आएँ और हमारे जो उथल पुथल मची है हमारी स्टेट में हर जगह, उसको थोड़ा सा ठीक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि LG जो हमारा रूल है इस समय, LG सरकार है, बातें करती है 70%, 80%, 90%, पर अगर आप ज़मीनी तौर पे देखें तो बहुत कम काम है ही नहीं। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगी BJP के लोग भी परेशान हैं इस समय, जो चुनिंदा लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी चुनाव मतलब परेशान हैं, और वो भी बार बार बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही, हमारी नहीं सुन रही। अब अगर सरकार BJP वालों की नहीं सुन रही तो हमारी कहाँ सुनेगी। तो हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो इस स्टेट को संभाले, और क्योंकि इस स्टेट की बहुत बर्बादी होगी। और पहले तो स्टेट से UT बना दिया उसको, तो कहते हैं कि हम हमेशा प्रमोशन होती है, डिमोशन तो होता नहीं है। अब आज़ाद साहब का एजेंडा यही है कि इसको पहले स्टेटहुड दिलवाना है, फिर उसके बाद यहाँ जो लोग बेरोज़गारी है, नौकरियाँ बाहर क्यों जाएँ, इन्हीं यहीं के लोगों को मिले, साथ में हमारी जो ज़मीन है जो भी लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तो बेरोज़गारी के वैसे भी कोई साधन कभी है नहीं, हिली एरिया है, तो वो ज़मीन भी हमारे बाहर के लोग क्यों लें, क्यों यहीं पर क्यों ना रहे और यहीं के लोग उसको आगे ग्रो क्यों ना करें, चाहे टूरिज़्म हो चाहे किसी भी तरीके से। तो बहुत सारे आगे काम हो सकते हैं और उन्होंने काम किया भी है अपने टेन्योर में। तो हमें बिल्कुल वैसे ही लीडर चाहिए जो काम करें। और क्या आने वाले समय में, जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा की नहीं सुनवाई हो रही है, ग्राउंड लेवल की सुनवाई होगी यहाँ पर? देखिए, देखो सीटों का अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ना तो उन्होंने कोई डिवाइड किया ना कुछ ऐसा कुछ, अभी एजेंडा उन्होंने दिया नहीं है कि क्या है कैसा है, तो जो चीज़ वो बोलेंगे उसके लिए हम नहीं बोल सकते, वो तो हिंदुस्तान के लीडर हैं, खाली J&K के नहीं हैं। पर देखते हैं अभी वो कैसे काम करवाते हैं, कैसे क्या है, दे तो उन्होंने करना है। और लीडर तो सबको चाहिए, एक अच्छा लीडर चाहिए जो जिसका एक अच्छा चेहरा चाहिए, जिस पर लोग यकीन करें। तो हमें वो लीडर नहीं चाहिए जो सिर्फ बातें करें और जिन पे लोग यकीन ना करें। तो यही कहूंगी मैं, तो इसके साथ कुछ नहीं कहूँगी।